याद आए मुशफिकुर रहीम जो पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज है, अब तो विकेटकीपिंग नहीं करते हैं वो, उनको भी अश्विन ने निपटा दिया जल्दी में, 13 रन पे निपटा दिया। और उसके बाद फिर बांग्लादेश को जो सबसे उनके एक्सपीरियंस खिलाड़ी है वो है शाकिब अल हसन, पूर्व कप्तान, वो अभी फिलहाल नॉट आउट है। नजमुल हसन शंटो जो करंट कैप्टन है और फॉर्मर कैप्टन, मतलब करंट कैप्टन फॉर्मर कैप्टन दोनों के दोनों जो खिलाड़ी है वो बांग्लादेश के अभी नॉट आउट है। और इन्हें बांग्लादेश को अभी भी 357 रन चाहिए भाई, दो दिन का खेल बचा है, 357 चाहिए। भारत को चाहिए है 6 विकेट, तो भारत को चाहिए है 6 विकेट, जिसमें अभी जसप्रीत बुमराह को ऑलरेडी एक मिल चुका है, अश्विन को 3 मिल चुके हैं। मतलब अश्विन इस मैच के मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं, क्योंकि सेंचुरी मारी थी प्लस 3 विकेट। भाई और क्या चाहोगे यार, एक बंदा और क्या क्या आपको करके देगा। मोहम्मद सिराज 3 ओवर में 20 रन, ज्यादा महंगे साबित हुए। आकाशदीप ने अच्छी गेंदबाजी की, 6 ओवर में 20। अश्विन को 15 ओवर डाल दिए, अश्विन ने 63 रन दिए और 3 विकेट ले लिए। जड्डू ने अभी 6 ओवर डाले, उनको कोई विकेट नहीं मिला। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो इंडिया है उन्होंने बांग्लादेश पर एक ऐसी पकड़ मतलब हासिल कर ली है कि भाई अब बहुत मुश्किल है कि बांग्लादेश इससे बाहर निकल पाएगा। और मुझे लगता है कल के कल शायद, मैं मैक्सिमम कह रहा हूं, 2 सेशन और बांग्लादेश टिक पाएगा। अगर पहले सेशन में भारत शाकिब और शंटो इन दोनों का विकेट ले लेता है तो मुझे लगता है मैच वहीं पर खत्म है। उसके बाद बांग्लादेश के पास वो बैटिंग नहीं है कि मेहदी हसन मिराज जैसे कोई खिलाड़ी टिक के और हार को टाल दे, है ना। हार को टाला तो नहीं जा सकता, बांग्लादेश की हार पक्की है। कितने रन से हार होगी डिपेंड इस पे करता है, और ये सब कुछ डिपेंड करता है शंटो और शाकिब की बल्लेबाजी पर, क्योंकि शंटो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, शाकिब अभी अभी आए हैं। तो लेट्स सी क्या शाकिब अपना एक्सपीरियंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं, वो अलग बात होगी। बट नजमुल हसन शंटो ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, अटैकिंग क्रिकेट खेला है, वो ऋषभ पंत वाला गेम खेल रहे कहीं ना कहीं। 85 का अगर स्ट्राइक रेट अगर आप टेस्ट में बना रहे हो तो भाई बड़ी बात है। और लेट्स सी कितना वो आगे स्कोर कर पाते हैं, अर्धशतक तो लगा दिया है, बट क्या वो शतक में कन्वर्ट कर पाएंगे, या फिर उससे पहले बुमराह या अश्विन या जडेजा या सिराज या आकाशदीप को एक गेंदबाज इस पार्टनरशिप को अगर तोड़ देता है तो फिर मेरे ख्याल से मैच वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो बांग्लादेश को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, और बांग्लादेश तैयार रहे इस हार के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान में हुआ ना वो इंडिया में तो बॉस नहीं हो सकता, है ना, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। पाकिस्तान का क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत अलग है, पिच अलग है, बॉल वहाँ पर अलग है। यहाँ पर इंडिया का क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत अलग है, पिच अलग है, बॉल अलग है, टीम अलग है। तो आप पाकिस्तान पर जीत कर आए हो, नो डाउट आप अच्छा क्रिकेट खेले वहाँ पे, बट इंडिया से इंडिया में जीतने के लिए ना आपको बेस्ट से भी ऊपर क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तब जाके आप इंडिया को हरा पाओगे। तो ये एक जाहिर सी बात है। बट इन सब के बीच देखिए, भारत बांग्लादेश से टेस्ट जीतने वाला ये पक्की बात है, चौथे दिन मैच का रिजल्ट आ जाएगा। बट इन सब के बीच एक चर्चा जरूर है कि यार कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का क्या किया जाए। खैर रोहित शर्मा ने तो इंग्लैंड सीरीज में भी अच्छे खासे रन बना लिए थे, बट विराट का क्या किया जाए। विराट पिछले अगर यूं कहें 2-3-4 सालों में टेस्ट क्रिकेट में वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए, बिल्कुल भी छाप नहीं छोड़ पाए। एक मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 186 की पारी याद आती है, जो अहमदाबाद टेस्ट था, चौथा टेस्ट मैच था और भारत ने ड्रॉ किया था वहाँ पे। वो टेस्ट मैच के अलावा विराट कोहली की ऐसी कोई पारी मुझे नहीं दिखाई दे रही पिछले 3-4 साल में, जहाँ पे लगे कि यार ये विराट कोहली है और ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और सामने वाले को स्टेटमेंट जा रहा है कि नहीं मैं खड़ा हूँ बंदा, मैं आपको मेरे बिना आउट किए बिना आप मैच जीत नहीं सकते। अब आजकल विराट कोहली बहुत आसान से विकेट हो गए, कोई भी आके विकेट ले लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिस पर थोड़ा सा चर्चा करने की ज़रूरत है। और विराट कोहली हालांकि आज मैच के दौरान भी प्रैक्टिस कर रहे थे, आउट होने के बाद आज जब शुभमन गिल और पंत बल्लेबाजी कर रहे थे उस दौरान विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि विराट भी खुद देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं शायद ये भी कि यार दलीप ट्रॉफी का उन्हें मैच खेलना चाहिए था ताकि वो शायद एक मैच प्रैक्टिस हो जाती। बट खैर उम्मीद करेंगे जब दूसरा टेस्ट मैच आएगा वहाँ पे विराट और रोहित दोनों का बल्ला चलेगा और सारा दारोमदार हमारी यंगस्टर्स पर नहीं रहेगा, कुछ हमारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी उठाएंगे बाहर। तो लेट्स सी और लेट्स होप कि सब कुछ ठीक जाए। बट बाकी अगर बात करें, मैच पूरी कमांडिंग पोजीशन में है इंडिया के, और चौथे दिन रिजल्ट आ जाना चाहिए, शायद फर्स्ट सेशन में आ जाए या फिर सेकंड सेशन मैक्सिमम, क्योंकि पूरा दिन तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश खेल पाएगा किसी भी हालत में। शाकिब और शंटो को आउट करो आप मैच खत्म कर दोगे, वहीं पर रैप अप हो जाएगा। तो भारत बड़ी जीत के साथ सेकंड टेस्ट मैच में जाने वाला है। अब दूसरा टेस्ट मैच का जो स्क्वाड है वो भी शायद इस मैच के एंड में यानी कि कल हो सकता है अनाउंस हो जाए या फिर परसों अनाउंस हो जाए, जहां तक चांसेस है कि कल रात तक मेरे ख्याल से शायद टीम अनाउंस हो जाएगी सेकंड टेस्ट के स्क्वाड का भी। वहां पे हो सकता है शायद जसप्रीत बुमराह को रेस्ट मिल जाए, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है।
तो लेट्स सी कि किस तरह से चीज़